नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। महाराष्ट्र के मुंबई में जय भोलेनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष रमेश डिसोडा ने मीरा रोड में रामेश्वर शिव भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया है। इसके उपलक्ष्य में आए दिन रामेश्वर में एक के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 23 जून की शाम को पूजा अर्चना के साथ किन्नर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हेमांगी सखी और किन्नर समाज से कई लोग मौजूद रहे। आए हुए किन्नर समाज के लोगों को साल और उपहार देकर सम्मानित किया गया। मां समय तक रखा गया था किन्नरों के लिए, हमारे दिल में पहले से बहुत ज़्यादा प्यार रहा है और तमन्ना थी कि कभी इन लोगों का सम्मान करने का मौका अगर मिलता है हमें तो कभी हम इनको यहां पर बुलाएंगे मंदिर पे। और बाकायदा जैसे हम एक VIP या मिनिस्टरों की सम्मान समारोह करते हैं उसी टाइप से हम लोगों ने सोचा था और वो हमने कर दिखाया। और इनके यहाँ आने से हमें इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है मतलब कि हमारा एक सपना पूरा हो गया जो हमने सोचा था इतनी जल्दी पूरा होगा ये नहीं सोचा था। सोच ये सब कार्य करने की सोच कैसे आती है? मैडम पता नहीं क्यों मुझे ना चैन से रहने की आदत ही नहीं है, चुपचाप सो जाऊँ एक कोने में वो मुझे आता ही नहीं है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहूँ, कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहूँ। और मेरी सोच ये है कि दुनिया जो कर रही है, लोग जो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा हटके करूँ। हटके करने के चक्कर में ही आप लोग देख रहे हो कि ये लोग आज मेरे साथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इन लोगों की दुआ अगर रही मेरे साथ में, जैसे कि कहते हैं शंकर भगवान अर्धनारेश्वर के रूप में आया था, तो मैं इनको शंकर भगवान से कम नहीं मानता हूँ। ये लोग मेरे साथ में हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहूँगी कि हमारे किन्नर समाज को जो यहाँ पर बुला के जो पूरे समाज के साथ बिठाकर हमें सम्मान दिया गया है, हमें उसके लिए रवि जी की बहुत ही शुक्रिया कहूँगी उनको कि हमारे कम्युनिटी को बुलाया और कम्युनिटी को साथ में उनके बिठा के जा देखो साथ में खाना खा रहे हैं, सब लोग मिलजुल रहे हैं। तो ये क्या होता है कि सब लोग साथ में आ रहे हैं और उसके वजह से मेल मिलाप होता है। और कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, किसी को तुम पैसे देकर दुआ लोगे उससे अच्छा तुम उससे उसके साथ अच्छा बर्ताव करो तो दुआएं ज़्यादा अच्छी लगती है। एक के साथ दिल मिला लो, दिल से दिल मिला के अच्छी दो बात कर लो, सामने वाला दिल से दुआ देता है। और वो आज रवि जी और उनका चैरिटेबल ट्रस्ट को हमारे सारे किन्नर भर भर की दुआएं दे रहे हैं। और मैं कहूँगी मेरे दिल से ये बात कि एक साल के अंदर आपका ये मंदिर एक भव्य दिव्य मंदिर बनेगा और अगले साल हम जरूर आएंगे इसी उत्सव में आपके साथ।